JK247 News के लाइव अपडेट्स में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। इस वक्त आप लोगों के लिए कुछ जरूरी अपडेट्स हम लेकर के आए हैं। सबसे पहले COVID-19 की आपको एक अपडेट देना चाहते हैं और COVID-19 के बढ़ते आंकड़ों की आपको अपडेट देना चाहते हैं। कल शाम तक की डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जो हमने रिपोर्ट रिसीव की गई है उसमें ये बताया गया है कि 175 न्यू COVID-19 पॉजिटिव केसेस पॉजिटिव सैंपल्स को रिसीव किया गया है, जिसमें से 156 सैंपल्स CMO ले ने रिसीव किए हैं, 19 सैंपल्स को CMO करगिल ने रिसीव किया है। इसी के साथ में 928 सैंपल्स जो दोनों ही डिस्ट्रिक्ट से कलेक्ट किए गए हैं वो सारे ही सैंपल्स नेगेटिव पाए गए हैं, जिसमें से 631 सैंपल्स को ले डिस्ट्रिक्ट से कलेक्ट किया गया था और 121 सैंपल्स को करगिल डिस्ट्रिक्ट से कलेक्ट किया गया था। 96 पेशेंट्स को डिस्चार्ज भी किया है, जिसमें से 89 पेशेंट्स CMO ले द्वारा डिस्चार्ज किए गए हैं और 7 पेशेंट्स CMO करगिल द्वारा डिस्चार्ज किए गए हैं। बढ़ते आंकड़ों के साथ खुशी की बात यह है कि कोई भी डेथ रिकॉर्ड नहीं की गई है और इसके चलते यूटी लद्दाख में टोटल कोविड एक्टिव केसेस 820 पर पहुंच चुके हैं, जिसमें से 702 ले डिस्ट्रिक्ट के हैं, 118 करगिल डिस्ट्रिक्ट के हैं। एयरपोर्ट्स और चेकपोस्ट्स पर जो है लगातार स्क्रीनिंग जारी है। कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट पर 482 पैसेंजर्स को स्क्रीन किया गया है, खलसे चेकपोस्ट पर 221 पैसेंजर्स को स्क्रीन किया गया है और खंगराल चेकपोस्ट पर भी जो है 75 पैसेंजर्स को स्क्रीन किया गया है। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहते हैं कि ये आंकड़े जो हैं काफी बढ़ चुके हैं, जिसके चलते न्योमा सब डिवीजन में और खलसे सब डिवीजन में हाल फिलहाल में बहुत ही रिसेंटली जो है स्वाब सैंपल्स को कलेक्ट किया गया है कोविड मिटिगेशन मेजर्स के अंडर। न्योमा सब डिवीजन में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और शॉपकीपर्स से जो है पैरामिलिट्री स्टाफ ने कोविड स्वाब सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं और खालसे सब डिवीजन में पैरामेडिकल स्टाफ ने जो है शॉपकीपर से स्वाब सैंपल्स को 50% शॉपकीपर से स्वाब सैंपल्स को कलेक्ट किया है। साथ ही में हम आपको मौसम की जानकारी से थोड़ी सी अपडेट देना चाहते हैं। आज का जो मौसम है ज्यादातर आज का मौसम क्लाउडी रहा है। मेट डिपार्टमेंट द्वारा हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें ये बता रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण लद्दाख में मौसम क्लाउडी रहने वाला है और 17-18 तारीख को लाइट स्नोफॉल, हायर रीचेस में लाइट स्नोफॉल होने के काफी चांसेस हैं और 21 और 22 तारीख को जो है लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल ले और कारगिल दोनों ही डिस्ट्रिक्ट्स में होने के काफी चांसेस हैं, लेकिन ये स्नोफॉल जो है ज्यादातर हायर रीचेस में होने के ज्यादा चांसेस हैं। इसी के साथ में मेट डिपार्टमेंट का ये भी कहना है कि एंड ऑफ जनवरी तक कोई भी ज्यादा बर्फबारी होने की आशंका नहीं है। मिनिमम टेम्परेचर आज का ले का मिनिमम टेम्परेचर -13.9, नुब्रा का -14.5, कारगिल डिस्ट्रिक्ट का -11.4 और द्रास का -16.2। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहेंगे कि स्पितुक में जो एक स्टेडियम काफी समय से बन रहा था, अनुराग ठाकुर जी ने एक ट्वीट में ये कहा है कि ये स्टेडियम जो है ऐसा पहला सबसे बड़ा ओपन स्टेडियम है जो इंटरनेशनल स्तर का स्टेडियम है, जिसको 130 कनाल पर बनाया है और ये 30,000 स्पेक्टेटर्स को जो है होल्ड कर सकता है, 30,000 स्पेक्टेटर्स को होल्ड कर सकता है। ये ऐसा पहला ओपन इंटरनेशनल स्टेडियम है, इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम है जो कि यहाँ लद्दाख में बना है। साथ ही में जल जीवन मिशन का जो काम है, जल जीवन मिशन के जो स्कीम्स हैं काफी समय से चल रहे हैं और जल जीवन मिशन का ये स्कीम जो है अब 6 गांव तक पहुंच चुका है, जहां पे हर घर में टाइम से और बहुत अच्छा क्वालिटी का पानी जो है नलकों से दिया जा रहा है सर्दी के दौरान भी, और ये सोलर पैनल की मदद से दिया जा रहा है। इससे यही साबित हो रहा है कि जल जीवन मिशन काफी अच्छा काम कर रही है लद्दाख में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लद्दाख में सर्दी के दौरान पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। इसी के साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि राजनिवास में
सेकंड यूनिवर्सिटी काउंसिल मीटिंग को चेयर किया गया है और इसमें यूनिवर्सिटी के फंक्शनिंग को लेकर काफी सारे इश्यूज को डिस्कस किया गया है। उसमें सेक्रेटरी हायर एजुकेशन श्री पद्मा आंगमो का प्रेजेंस भी वहां पर देखा गया है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज को लेकर काफी इश्यूज चल रहे हैं और हायर एजुकेशन को लेकर काफी इश्यूज चल रही हैं, जिसके चलते सेकंड यूनिवर्सिटी काउंसिल मीटिंग चेयर की गई थी और आने वाले अब दिनों में निकलेंगे, देखेंगे कि इस मीटिंग का क्या नतीजा निकला है। बने रहिए, लगातार अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। संजिन दोर्जे के साथ मैं जैनब संधू, JK 24/7 न्यूज के लिए लेह लद्दाख से।